So hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Lakshmi and you are watching me on Lux Crazy. तो सामने थंबनेल लेके तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये वीडियो क्या होने वाला है. यू नो बहुत सारे जूनियर्स फ्रॉम माय प्लेस असम दे हैव रिक्वेस्टेड मी दी आप वहाँ पे हो सिक्किम यूनिवर्सिटी में, कैन यू प्लीज़ टेल अस कि एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, फीस कितने लगते हैं मंथली, हॉस्टल में फैसिलिटीज क्या क्या है एंड ये सारे सवाल. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ इसके ऊपर, व्हाट आर द फैसिलिटीज, व्हाट आर द एडमिशन प्रोसीजर, हॉस्टल में कितने फैसिलिटीज है, मंथली फीस कितना है एंड ऑल. यू नो मैंने भी सिक्किम में आने से पहले बहुत वीडियो ढूंढा था, मुझे भी जानना था यू नो क्योंकि मंथली कितना चाहिए, कितना खर्चा होता है. एज अ स्टूडेंट वी हैव टू नो डैट कि वहाँ पे जाके कितना खर्चा होने वाला है महीने में, एडमिशन कितना लगने वाला है, एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे है, बहुत सारे सवाल रहते हैं एंड बहुत सारे एक्साइटमेंट भी रहता है हमारे मन में. मैंने भी सर्च किया था बट आई कुड नॉट फाइंड एनी परफेक्ट वीडियो. देन मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये वीडियो बना लूँ ताकि जो भी आए या हुएवर आर विलिंग टू टेक एडमिशन हियर इन सिक्किम यूनिवर्सिटी उनको ये पता चले कि ये चीज़ है एंड हॉस्टल ऐसा है, ब्ला 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 ब्ला. सो पहले मैं अपना रूम टूर करवा लेती हूँ, मेरा रूम कैसा है एंड यूजुअली माई रूम इज़ टू सीटर. सो यू वेट. आई थिंक हियर वी आर इन द फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लोर, नॉट प्रीटी श्योर क्योंकि हॉस्टल बहुत बड़ा है. मैं बाद में जाके दिखाऊंगी ऊपर का पोर्शन जितना कवर कर पाऊंगी. दिस इज माई रूम, रूम नंबर 43 एंड यहाँ पे रूम नंबर 42 उस साइड भी है, मैं बाद में जाके दिखाती हूँ या मैं जितना कवर कर पाऊंगी उतने दिखाऊंगी. सो दिस इज माई रूम एंड वेलकम. ये है मेरा रूम, दिस इज एक्चुअली टू सीटर्स एंड यहाँ पे रहती है मेरी रूममेट, सी इज फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट बट सी वेंट अभी कॉलेज क्योंकि उसका कॉलेज था, आज मेरा कॉलेज नहीं था, आई मीन डिपार्टमेंट सॉरी नॉट कॉलेज. एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट दिस किचन एरिया. ओके एंड यहाँ पे देखिए, हियर आई हैव माई काना जी जिनको मैं अच्छे से पढ़ने में रखती हूँ बिकॉज ही इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी. एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज आवर किचन एरिया जहाँ पे हम लोग हॉर्लिक्स बॉर्नविटा ये सारे रखे हुए हैं एंड ये दिस इज वार्डरोब और गोदरेज बोलो या जो भी बोलो आप, एक एक मिलता है. मेरी रूममेट का ये है और ये वाला मेरा है एंड यहाँ पे वी ऑल्सो हैव अटैच टॉयलेट बाथरूम विद अ गीजर. आई मस्ट से विद अ गीजर बिकॉज सिक्किम में बहुत ठंडा होता है एंड गीजर के बिना, आई मीन गर्म पानी के बिना द पीपल फ्रॉम लाइक मी, मतलब हमारे वहाँ पे तो बहुत गर्मी होती है, ठंडा में मुश्किल से नहाते तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा. तो गीजर फैसिलिटीज़ है, वार्डरोब्स है हर रूम पे एंड यहाँ पे ये सारे टेबल्स एंड ऑल, वो तो पता ही है हर हॉस्टल में मिलता है, नॉट अ बिग डील. सो ये था मेरा प्रिटी रूम. चलिए चलते हैं. एक्चुअली हमारा ये जो बिल्डिंग है बहुत बड़ा, इट्स लाइक भूल भुलैया, ये पूरा एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे दो रूम है शायद 37 एंड दिस, फिर से ऐसा है ऊपर. एंड द व्यू, यू मस्ट अप्रिशिएट द व्यू. ये है हमारा प्यारा सा व्यू खिड़की के बाहर से. ऐसा यहाँ से व्यू है, देन फिर नीचे की ओर और जो मैं अभी जा रही हूँ टूर 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 रूम 29-30. फिर से यहाँ पे एक ये है अगेन व्यू वाला सा. कई कई पे टू सीटर्स और कई कई पे थ्री सीटर्स एंड फोर सीटर्स भी होते हैं, वो रूम का स्ट्रक्चर देख के होता है. सारा उस साइड की बिल्डिंग को कवर अप नहीं कर पा रही, सो मैं इस साइड का बिल्डिंग भी दिखा रही हूँ आपको. आई मीन ये तीनों बिल्डिंग कंबाइन करके एक हॉस्टल है बट बहुत ही बड़ा है, सो आई एम जस्ट सेइंग मैं पार्ट ऑफ इट. And here we have gym which is now closed.
एंड यहाँ पे हमें करना होता है एंट्री, अपना की रजिस्टर एक अलग होता है और बाहर एंट्री एंड एग्जिट का एक अलग होता है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड एंड यहाँ पे अपना अपना चाबी रख के देना होता है दीदी को, कार दीदी को देना होता है, वो लोग रख देते हैं। दिस इज द पहाड़ का साइड, गार्डन ऑल हमेशा यहाँ पे रहते हैं। सो ये जिम जो कि अभी बंद है एंड शाम को खुलेगा, और ये है हमारा मेन रोड, दिस इज 5th माइल एक्चुअली। सो गाइस, रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसीजर, सभी को पता ही होगा कि इस बार भी CUET के द्वारा ही होगा। हमने भी CUET का एंट्रेंस देके, एंट्रेंस क्लियर करके मेरिट लिस्ट में आके वी गॉट हॉस्टल एज वेल एज द डिपार्टमेंट, वही होगा इस बार भी। एंड या कट ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। हमारा लास्ट ईयर था डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, लास्ट ईयर हाईएस्ट कट ऑफ था 205 एंड इस बार शायद बढ़ेगा। अलग अलग साल अलग अलग कट ऑफ होता है। एंड आई मस्ट से दैट गैंगटॉक इज नॉट एट ऑल स्टूडेंट फ्रेंडली, यहाँ पे बहुत महंगाई है। एंड आपका जो एडमिशन होगा उसके बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपका हॉस्टल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। देन आफ्टर द सिलेक्शन आपको हॉस्टल फीस आई थिंक स्टार्टिंग में आपको पे करना होगा 4500 एग्जैक्टली इतना ही है, बट 4527 एग्जैक्टली कुछ ऐसा है। मेरिट लिस्ट में आ गए आप, हॉस्टल का नाम, हॉस्टल मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आ गया। उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाता है, उसके अंदर में आपको पेमेंट करके सबमिशन करना होता है आपका ये फॉर्म एंड ऑल। आई थिंक एडमिशन मैंने आई थिंक 4576 अप्रॉक्स ऐसा कुछ होता है, 4500 ही पकड़ लीजिए आप, इतना होता है हॉस्टल एडमिशन, इतना लेते हैं। देन मंथली अलग अलग हॉस्टल का अलग अलग होता है, हियर इट इज़ 1800 पर मंथ। एंड आई थिंक टुडे टोटल वी हैव 5 गर्ल्स हॉस्टल एंड टिस्टा बॉयज़ हॉस्टल, रंगीत बॉयज़ हॉस्टल, न्यू बॉयज़ हॉस्टल, 3 आई थिंक बॉयज़ हॉस्टल में 5 ही होंगे। फीस अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग होते हैं क्योंकि मेस आर रन बाई स्टूडेंट कहीं कहीं पर। दिस इज सबसे बड़ा हॉस्टल एंड हियर द मेस इज रन बाय द स्टूडेंट एंड मंथली फीस है 1800। अगर आप घर जाते हो एक हफ्ते के लिए 7 days प्लस, देन आपका रिफंड भी होगा। एंड सुबह वी हैव ब्रेकफास्ट, देन रात को मिलता है हमें खाना, दिन को बाहर ही खाना पड़ता है क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे है। एंड या एंड रिगार्डिंग द फैसिलिटीज, 24/7 वाईफाई रहता है हॉस्टल पे, नॉट ओनली इन हॉस्टल, हॉस्टल डिपार्टमेंट आप कहीं भी कैंपस मतलब यूनिवर्सिटी कोई भी डिपार्टमेंट पे रहो, कोई भी डिपार्टमेंट में जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जाओ, अपने हॉस्टल में आओ, किसी और के हॉस्टल में भी जाओ, आपका वाईफाई फ्री होता है क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है यहाँ पे। आई थिंक यू नीड टू वेट फॉर टू टू थ्री मंथ्स, तब तक आपका पासवर्ड और वाईफाई का पासवर्ड और आइडेंटिटी कार्ड आने के बाद सारा अपलोड हो, मतलब अपलोडेट होके आ जाएगा, उसके बाद आपको पासवर्ड दिया जाएगा। एक ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि हॉस्टल में ऑल्सो हॉस्टल में भी हमारा मेडिकल कमेटी अलग सा होता है रात को अगर कोई एमरजेंसी हो जाए तो। एंड ऑल्सो हियर वी हैव हेल्थ सेंटर, सिक्किम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ट्रीटमेंट के लिए पैसा देना नहीं पड़ता। हियर वी हैव आवर ऑल ओन हेल्थ सेंटर, मेडिसिन सारे फ्री में मिलते हैं। अगर कोई भी रीजन से आपका हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो गया हो तो हेल्थ सेंटर से आपको रिफर दिया जाएगा, देन आपका ट्रीटमेंट होगा मणिपाल में फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हैव बसेस, फ्री यूनिवर्सिटी बसेस अप एंड डाउन करने के लिए, बट और कभी कभी टाइम में नहीं होता है, अलग बात है, बट वी हैव बसेस, फ्री बसेस, वाईफाई एंड हेल्थ सेंटर में जाके फ्री ट्रीटमेंट एंड फ्री मेडिसिन। उसके बाद पढ़ने आए, काम तो करना पड़ेगा, और इतना ही तो क्या बताओ, बस ये ओ यस, आई मस्ट से कि आप अगर डरे हुए कि यहाँ पे आके रैगिंग होगा हॉस्टल या मास्टर लाइफ में रैगिंग होगा, बट आई मस्ट से कि यहाँ पे कोई भी रैगिंग नहीं है, दिस इज़ टोटली इलीगल हियर, नो रैगिंग। बस यहाँ पे है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर और जूनियर, और क्या बताऊँ, हॉस्टल फैसिलिटीज बोल दिया। एंड या अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग एडमिशन फीस भी होता है। हमारा पॉलिटिकल साइंस का एडमिशन फीस 4700 समथिंग था, एंड आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी का इट वाज अप्रोक्स 9000 समथिंग। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, हमारा थोड़ा कम था 4700, इसी बेसिस पे होता है। या दिस इज़ द ऑल, अगर आपको और भी कुछ जानना है देन यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में।
या तो आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हो. आई होप दिस वीडियो इज फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. बाय.